हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे कि स्ट्रेस का स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, हाउ टू फाइंड आउट हाउ टू फाइंड स्लोप ऑफ द स्टेयर। स्लोप की डेफिनेशन जो है वो स्लोप इज इक्वल टू राइज अपॉन रन होता है, यानी स्लोप इज इक्वल टू राइज अपॉन रन और ट्रेड, अगर स्टेयर केस में लेना है अपने को तो ट्रेड होता है। मिसाल के तौर पे अपन यहाँ पे स्टेयर बनाकर देखते हैं, ए एंगल ए निकालना है। कंसिडर करते हैं कि अपना जो ट्रेड है consider ट्रेड इज इक्वल टू 12 इंच एंड राइज इज इक्वल टू 6 इंच। कंसिडर करते हैं ये वैल्यूज को, ये अपना राइज हो गया वर्टिकल हाइट एंड जो हॉरिजॉन्टल रन है या ट्रेड है ये अपना टी हो गया। तो स्लोप इज इक्वल टू 10 का फॉर्मूला लगाएंगे, 10 एंगल जो है अपना ए है इज इक्वल टू राइज कितना है 6 इंच है एंड ट्रेड कितना है 12 इंच है, यानी 10 ए इज इक्वल टू 0.5। 10 इनवर्स का करेंगे फॉर्मूला, यानी ए इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 0.5, यानी ए इज इक्वल टू 10 इनवर्स 0.5 इज इक्वल टू मीन्स 26.55 होगा, डिग्री में होगा ये। ओके, ये अपना जो एंगल निकला, एंगल ए इज इक्वल टू 26.55 डिग्री, जो एंगल है वो 26.55 डिग्री निकला। अभी आप ये मेथड से आपका जो ट्रेड है और जो राइज है आपका, ये वैल्यूज चेंज होंगी। अगर आपका राइज और ट्रेड कम है, जैसे कमर्शियल बिल्डिंग है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, इसमें आपका राइज एंड ट्रेड डिफरेंट होता है हर बिल्डिंग के लिए, तो उसके लिए आपका एंगल अलग निकलेगा। थैंक यू।